अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नए रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। आज मैं बनाने वाली हूँ नारियल की बर्फ़ी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही इजी रेसिपी है, तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस कर लें, इस तरह आने वाली मज़ीद वीडियो आपको मिल सकेगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है, और यहाँ पर मैं नारियल का बुरादा 1 कप ऐड की हूँ और इसे लो फ्लेम पे मैं भूनूंगी। नारियल के बुरादे को मैं 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लूँगी। नारियल के बुरादे को भूनते वक्त फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, नारियल का बुरादा बहुत जल्दी जल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नारियल का बुरादा भून चुका है। अब मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं 1/2 कप कंडेंस मिल्क ऐड की हूँ। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे इस टाइम तक पकाऊँगी जब तक पैन इसे नीचे से छोड़ ना दे और ये सब इकट्ठे हो जाएं। आपने ये ध्यान रखना है, फ्लेम को लो ही रखना है और मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। और यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड की है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। नारियल की बर्फ़ी बनाने के और भी तरीके हैं, जिसमें आप कंडेंस मिल्क की जगह मिल्क और शुगर ऐड करते हैं और इसे कुछ देर के लिए पकाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कंडेंस मिल्क यूज़ की हूँ। आपको जो रेसिपी इजी लगे आप उस रेसिपी से बना सकते हैं, टेस्ट दोनों का सेम ही रहेगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरी इस रेसिपी को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे किसी भी बर्तन में सेट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने एक ट्रे लिया है और इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इस ट्रे में इसे ऐड कर दूंगी। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनती है, तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर आप ट्राई करें। इसे बच्चे के साथ बड़े भी शौक से खाते हैं। अब मैं इसे इस ट्रे में सेट कर लूंगी। इसे सेट करने के बाद मैं इसके ऊपर चांदनी का वर्क लगा दूंगी। आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो। और इसे 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। 2 घंटे के बाद आप इसकी कटिंग कर लें, आपको जिस साइज़ में पसंद हो आप इसे वो उस साइज़ में काट सकते हैं या आप इसे कोई शेप दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी नारियल की बर्फ़ी तैयार है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। और बेल आइकन पर प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी सबसे पहले आपको मिलेगी और ये बिल्कुल फ्री है। दुआ में याद रखें, मिलती हूँ एक नए रेसिपी के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।